नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रू हन फॉर द पीपल बाय द पीपल। अगले साल आने वाले 2023 में G20 समिट में भारत को G20 प्रेसिडेंसी मिली है। G20 समिट एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसका 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन हिस्सा है। यह ग्लोबल इकोनॉमी के मेजर इश्यूज जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करती है। इस बार भारत को G20 समिट होस्ट करने का मौका मिला है और यह समिट दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस खबर को बहुत उल्लास के साथ पब्लिक इवेंट्स और अनाउंसमेंट्स द्वारा बताया जा रहा है और साथ ही बताया जा रहा है कि इस अवसर पर कई मॉन्यूमेंट्स और लैंडमार्क्स पर लाइटनिंग भी करवाई गई है। इस सब पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जय शंकर का कहना है कि यह भारत के डेवलपमेंट के साथ साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और साथ ही उन्होंने कहा कि यह समिट बड़े ही अलग तरीके से आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ साथ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि G20 समिट भारत के लिए इंक्लूसिव, एम्बिशियस और एक्शन ओरिएंटेड एजेंडा है और साथ ही समिट में भारत के एक्सपीरियंसेस, लर्निंग और मॉडल्स को प्रेजेंट भी किया जाएगा, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। जहां G20 की प्रेसिडेंसी मिलना भारत को विश्व में एक नई पहचान दे रहा है, तो दूसरी तरफ यह उम्मीद भी की जा रही है कि भारत में रह रहे हर भारतवासी को इस उपलब्धि का भविष्य में लाभ मिलेगा। यह थी जीविशा तोशनीवाल की रिपोर्ट द ट्रू हंट चैनल के लिए।